नमस्कार, मैं डॉक्टर खेमचंदानी, प्रैक्टिसिंग डर्मेटोलॉजिस्ट गुड़गांव से। आज का टॉपिक हमारा है फंगल इन्फेक्शन के बारे में। फंगल इन्फेक्शन यानी कि दांत खाद खुजली जैसी बीमारियां जो आम तौर पे पसीनों वाली जगहों पे होती है। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, गर्मियां आ रही हैं और पसीना काफ़ी आने लगेगा अब सभी लोगों को, तो हमें खासा इस बीमारी के बारे में पता होना चाहिए और इससे कैसे बचा जाए इसके बारे में, और इसका इलाज कैसे किया जाए अगर किसी को हो जाता है तो उससे कैसे बचा जाए। तो सबसे पहले, अगर कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है और बहुत ज़्यादा आपको पसीना आ रहा है तो ऐसी जगहों पे ना जाएं, और अगर जा रहे हैं तो टाइट कपड़े पहन के ना जाएं, और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आके बार बार अपने आप को साफ़ करें, नहाएं धोएं, ढीले कपड़े पहनने की कोशिश करें। और अगर आपको फंगल इन्फेक्शन की बीमारी हो जाती है, यानी कि दांत का खुजली की बीमारी हो जाती है, तो आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरह की क्रीम बिना किसी डॉक्टर की सलाह से नहीं लगानी है। खासा कि जैसे क्रीम्स आती हैं, पेंड्रम प्लस, बेटनोवेट, क्लॉप जी, ज़्यादातर लोग ये क्रीमें लगा के आते हैं और उससे उनकी तकलीफ़ और बढ़ जाती है। तो आप सभी के लिए एक सजेशन रहेगा एक प्रैक्टिसिंग डर्मेटोलॉजिस्ट की तरफ से, कि आप किसी भी एक अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएं, उन्हें दिखाएं, अपनी तकलीफ़ बताएं और इलाज कराएं। इसका इलाज लंबा बिल्कुल नहीं चलता है, मुश्किल से 2 या 3 हफ्ते में ये फंगल इन्फेक्शन एकदम ठीक हो जाता है। कृपा करके इस बात का ध्यान रखें और सेफ रहें, घर पर रहें, कोरोना वायरस से भी बचें।